भी नवाज शरीफ का, यहाँ पे नवाज शरीफ के दिलों में बसते हैं और इंशाल्लाह ताला नवाज शरीफ भारी अक्सरियत से जीतेंगे और अल्लाह के हुक्म से जीतेंगे, यहाँ से वोट लेंगे इंशाल्लाह ताला वोट लेंगे। क्यों जी? इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। की कहते हो फिर नवाज शरीफ साहब दे दीवाने दे जिंदाबाद नवाज शरीफ जिंदाबाद। मेरा एक ही पैगाम है मुहालफिनो सुन लो, वो शमा क्या मुझे जिसे रोशन खुदा करे, नवाज शरीफ इंशाल्लाह अल्लाह उनको इतनी इज्जत देंगे कि पूरी दुनिया देखेगी और इतना काम करेंगे वो भी पूरी दुनिया देखेगी। अस्सलाम वालेकुम जी साहब, मियां नवाज शरीफ शेर जिंदा हो गए। कायदी मुस्लिम नून पी एम ओ शरीफ खान का मुल्क कौम अवाम की आन शान पहचान और जान है। कायदी मुस्लिम नून पी एम ओ शरीफ खान को अंदर को जब भी हुकूमत मिली वफाक में सूबों में इन्होंने मुल्क कौम अवाम के लिए दिनों जान से मेहनत की, ईमानदारी दयानदारी मुखलत वफादारी उपल वतनी से मुल्क कौम अदारों के लिए काम किए। इन्होंने पाकिस्तान में लोड शेडिंग का खात्मा किया, इन्होंने स्कूल बनाए कॉलेज बनाए यूनिवर्सिटी बनाई, इन्होंने मोटरवेज बनाए, इन्होंने हमारे मुल्क से कर्जे में कमी लाए। ये जो पिछली मारी महालवीन हुकूमत थी इन्होंने मुल्क कौम अदारों को मकरूज किया, जितने कर्जे 50 साल में नहीं लिए गए इतने इतने उन्होंने अकेले में लिए। यही वजह इन्होंने मुहिब वतन कायदी मुस्लिम बी एम शरीफ खानदान को अंदर किया, वो अदालतों से सरगुरु हुए, वो मुल्क कौम अदारों के लिए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद। इसमें हमारा है नवाज शरीफ साहब ने पहले भी मुल्क के लिए बहुत कुछ किया था, इंशाल्लाह ताला अब भी आके ये बहुत कुछ करेंगे, ये पाकिस्तान के लिए करें। अगर नवाज शरीफ साहब चाहें तो मुल्क में ना आए, इनकी सात नस्लें बैठ के खा सकती हैं। मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान की शान थे, शान हैं और शान रहेंगे। हम नवाज शरीफ साहब के साथ अजल से अब तक नवाज शरीफ साहब के साथ हैं और कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं, दिलो खून जान हर कुछ आप। अच्छा ये जो हल्का है NA 130 ये बड़ा पुराना हल्का है शरीफ फैमिली का, बेगम कुलसूम नवाज साहिबा भी यहाँ से मुंतखब हुई हैं तो नवाज शरीफ भी यहाँ से मुंतखब हुए हैं और भी बड़े नाम हैं जो मुस्लिम लीग नून के थे जो यहाँ से मुंतखब हुए हैं, ऐसी क्या वजह है इस हल्के में कि ये हल्का हमेशा नवाज शरीफ को इज्जत देता है? देखें जी, जैसे नवाज शरीफ साहब के बाद बिलाल यासिन साहब ने इधर मेहनत की है, हल्के में काम किया है और कोई भी दिन और रात हो बिलाल यासिन साहब के साथ जो भी जाता है वो बिलाल यासिन साहब के पास काम लेके जाता है, वो काम होता है। तो ऐसे ही है इंशाल्लाह ताला, वो आपने यहाँ पे देखा भी होगा बच्चे बच्चे के फेस में खुशहाली है। अभी तो नवाज शरीफ आए नहीं है, नवाज शरीफ आने से पहले ही खुशहाली है, तो इंशाल्लाह नवाज शरीफ आएगा तो इंशाल्लाह इससे ज्यादा खुशहाली होगी। क्यों जी, खुशहाली आएगी इंशाल्लाह। जो जो आज मैंने यहाँ पे देखा ना लोगों का जज्बा और जुनून, जो इस्तकबाल यहाँ हुआ है, मैं कह रहा हूँ कि किसी हल्के में नहीं हो सकता। और मुझे इतना यकीन है यहाँ के लोग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वोट देके कामयाब करेंगे और एक दफ़ा फिर पाकिस्तान में तरक्की होगी और खुशहाली आएगी। अच्छा कैसे तरक्की होगी पाकिस्तान की? कोई नवाज शरीफ के पास अलादीन का चिराग है कि तरक्की हो जाएगी? देखिए, नवाज शरीफ की मोहब्बत ने आज साबित कर दिया है कि माशाल्लाह कितने लोग निकले हैं उनके लिए, मोहब्बत के लिए। जो नवाज शरीफ करता है वो कोई भी नहीं कर सकता, तो इंशाल्लाह आइंदा भी नवाज शरीफ जो काम कर जाता है पाकिस्तान में वो कोई नहीं करता, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान और जिंदाबाद जिंदाबाद जी पाकिस्तान की जान। आप तरक्की की बात कर रहे हैं, आप 2017 से पीछे का सारा खोल के देख रहे हैं कि पाकिस्तान तरक्की में था कि नहीं, जो मुल्क की तरक्की कर रहा था उसको झूठे केस बना के मुल्क से बाहर निकाल दिया, उस पर केस बना दिए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनको वापस आए हैं तो इंशाल्लाह ताला फिर वही तरक्की का सफ़र 2017 का सफ़र अब 2024 से दोबारा शुरू होगा इंशाल्लाह। क्यों अंकल,